जी साहब, अगर हम बात करें आज अपने डीजीएम में कुछ पैकेट्स दिए हैं कुछ लोगों को जो कि उसके लायक थे, और आपके साथी ने बोल रहा था यहाँ पे उन्हें रिलीफ के लिए एप्लीकेशन डाले थे फार्मर्स उसके लिए, और जो कि यहाँ पे हालात है उस हालात की वजह से यहाँ पे लोगों को बहुत सख्ती आ रही है, और अगर हम बात करें जो यहाँ पे विधवा है उनके लिए, उनको ये टाइम पे नहीं मिल रहा है, आपका इसका क्या कहना है? जी सिर्फ आपको पता है कि हमारा जो नेशनल प्रेसिडेंट है सोहेल अहमद मीर साहब, उन्होंने इस मिशन को हमें सौंपा है कि श्रीनगर में जितना भी गरीब घर हैं या बेवा औरतें हैं, इनको हम मदद करेंगे। पार्टी हमारे लगभग 2 साल से ये मदद कर रही है, तो मुझे सोहेल साहब ने एक ऑर्डर निकाला था कि आप देखो श्रीनगर में कॉन्स्टी कितनी है, उन कॉन्स्टी में कितने हल्के हैं, उन हल्कों या तहसील में गाँव में है क्या है, उनमें आप जाओ सर्वे करो, उनको देखो। उसमें बशीर साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वो भी उसमें शाना साहब थे, और मीर साहब भी जो हमारे शाना साहब थे, तो मुझे वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ा। जो आज हमने पार्टी हेडक्वार्टर पे एक छोटी सी एक यहाँ पर एक तशरी की थी, जिनको हमने एक किट्स दिए थे, जो उनको हमने वादा किया था, क्योंकि सर्दी के हालात बहुत ख़राब है, बर्फबारी भी हो रही है, तो हमें तो ये प्लान इंशाल्लाह बहुत बड़ा था, मगर हमें छोटा करना पड़ा इसलिए क्योंकि इनको बहुत मजबूरी थी, ज़रूरत थी, जो हमने आज इनको पूरा कर दिया। इंशाल्लाह आगे भी हम ये जो हमारा मिशन है, क्योंकि ये बाबा अम्बेडकर का मिशन ऐसा ही है कि हर गरीब के पास पहुंचना है, जितने हमारे से हो सकेगा तो हम ये काम बखूबी अंजाम देंगे। इसके लिए हमें मीर साहब का भी शुक्रिया अदा मैं करना चाहता, जो शाना हमारे साथ चले, और बशीर अहमद गौलू साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनने भी हमें साथ शाना जो साथ चले, और उमर साहब भी हैं, और पार्टी के लीडर्स भी हैं, वर्कर्स भी जो हमारी मदद कर रहे हैं। इंशाल्लाह रहमान हमारा यही है एजेंडा भी जो हमारा था, मीर साहब ने भी बोला कि हमारा एजेंडा जो हमने उठाया है वो आजकल अदर पार्टी भी उठा रहे हैं। वो उस वक्त वो कहाँ थे और क्या किस नींद में सोए थे जो हमसे वो जागे। अगर हम एक बार बताएं अभी तक कितनी एप्लीकेशनें आपके पास आई हैं? एप्लीकेशनें हमारे पास बहुत आ गई, जो ये बर्फबारी हो गई इसके वजह से हमें रुकना पड़ा, तो आप देखते हैं कि अगर थोड़ी धूप निकलती या कुछ होता तो आप देखते थे आज कम से कम हम 65 किट्स दे जाते। आने वाले दिनों में आपको फिर से ये देना है गरीबों में? इंशाल्लाह रहमान जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास आएंगे तो इंशाल्लाह रहमान हम गरीबों की मदद करेंगे। शुक्रिया। Okay.